हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, यानी कि इटली के एकीकरण की, जिसमें हम देखेंगे कि इटली के एकीकरण की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या क्या चरण रहे। इसके अलावा इटली के एकीकरण में कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, जिसमें प्रमुख थे मैज़िनी, विक्टर इमैनुअल, कैवूर, गैरिबाल्डी। तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हम देखेंगे कि 19वीं सदी के आरंभ में जब नेपोलियन का साम्राज्य अपने चरम पर था और संपूर्ण यूरोप में हलचल मची हुई थी, तो इटली भी इससे अछूता नहीं था। 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान चला जिसने इतालवी प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक राष्ट्र बना दिया। दरअसल नेपोलियन के युद्धों के बाद सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद विचारधाराओं की लहरें उत्पन्न हुई। लोगों में जब राष्ट्रवाद पनपने लगा तो वो उसी पुराने इटली के गौरव, उसकी संस्कृति, विज्ञान व कला की ओर मुड़ने लगे। वो एक बार फिर से इटली को गौरवशाली बनाने का सपना देखने लगे। इसके अलावा क्या होता कि इटली का, अगर हम पुराने इतिहास की बात करें इटली की, तो इटली का जो इतिहास है वो बहुत समृद्ध रहा है। रोम, जो कि आज इटली की राजधानी है, वो कभी पूरे यूरोप की राजधानी थी और विशाल रोमन साम्राज्य की भी राजधानी थी। और लेटिन भाषा, जो कि मध्यकाल में लगभग पूरे यूरोप की भाषा थी, उसका केंद्र भी इटली ही था। वहीं कैथोलिक धर्म, जिसका मूल इटली में था, वो अब पूरे यूरोप में फैल चुका था। पुनर्जागरण का उदय भी सबसे पहले इटली में ही हुआ, ये हम जानते हैं। तो ये सारी बातें इटली वासियों के लिए गौरव की बात थी और यही बातें इटली के एकीकरण में वरदान साबित हुई। लेकिन इटली का एकीकरण करना इतना आसान भी नहीं था, उसमें बहुत सारे बाधक तत्व भी थे। तो इटली के एकीकरण में बाधक तत्व क्या थे? जैसे कि इटली 7 भागों में बटा हुआ था और हर भाग एक अलग राजा के पास था। इटली की जनता भी गरीब, अशिक्षित और पिछड़ी थी, जो एकीकरण के मार्ग में बाधक थी। इसके अलावा इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वह था पॉप। दरअसल पैपल स्टेट पर पॉप का शासन चलता था और रोम उसकी राजधानी थी। कैथोलिक धर्म पूरे यूरोप में फैला हुआ था और पॉप उसका मुखिया था। अतः पॉप को चुनौती देने का मतलब था कि पूरे कैथोलिक यूरोप को चुनौती देना। इटली भूमध्य सागर पर बसा हुआ एक प्रायद्वीप सरीखा देश है, इसीलिए अगर इटली का एकीकरण हो जाता और वो मजबूत हो जाता तो ये बात ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के लिए खतरा बन सकती थी। क्यों खतरा बन सकती थी? क्योंकि इन देशों के व्यापार का भारी हिस्सा भूमध्य सागरीय भाग द्वारा ही होता था। तो इस प्रकार कुछ ऐसे तत्व थे जो कि इटली के एकीकरण का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ एकीकरण में बाधक भी थे। इन सब के अलावा एकीकरण की आग को सुलगाने का कारण था, वे था नेपोलियन। इटली पर नेपोलियन का शासन लगभग 2 दशकों यानी कि 1796 से 1814 तक बना रहा। अन्य देशों की तुलना में ये अवधि ज़्यादा लंबी रही, फिर भी इटली के लोगों में नेपोलियन के शासन को लेकर कड़वाहट नहीं थी। लोग उसे बुरा नहीं समझते थे क्योंकि इटली का संपन्न वर्ग, इटली का जो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली वर्ग था, वो नेपोलियन और फ्रांस की कार्यकुशलता का कायल था। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उनकी कार्यकुशलता को। और यही कारण था कि भले ही नेपोलियन के छत्र तले, नेपोलियन के अंदर ही अंडर पूरे इटली ने एकता का एहसास किया था। इसी के साथ 1814 में नेपल्स का राजा मूरत, जो कि नेपोलियन की बहन का पति था, यानी कि नेपोलियन का बहनोई, उसने इटली को एकीकृत करने की कोशिश की थी। उसी समय नेपोलियन की हार हो चुकी थी और 1815 तक नेपोलियन का जो सितारा था वो डूब चुका था, जिसके बाद मूरत की भी हत्या कर दी गई और उसका ये जो सपना था वो अधूरा रह गया कि इटली को एकीकृत करने का। इसके बाद मूरत के इस यूनियन ऑफ इटली वाली सोच ने वहाँ के लोगों को ज़रूर जागृत कर दिया था। और इसी तरह इटली के एकीकरण में कोई एक कारक नहीं बल्कि कई सारे कारक जिम्मेदार थे। और इसके अलावा कुछ विशिष्ट इतिहासकार इटली के एकीकरण में बहुत विशिष्ट योगदान दिया है, जिसमें पहले हैं मैज़िनी। मैज़िनी एक महान व्यक्तित्व के साथ दार्शनिक, चिंतक,
दूरदर्शी व बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। बचपन से ही मेज़िनी के अंदर क्रांतिकारी विचार पल रहे थे। अपने इन्हीं विचारों के कारण वह कार्बोनरी का सदस्य बन गया। कार्बोनरी क्या होती है? ये कार्बोनरी इटली की एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि गुप्त तरीके से क्रांतिकारी कार्य करती थी। वहीं सन 1830 में मेज़िनी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जब इसकी खबर हुई कि वो कार्बोनरी का सदस्य और गुप्त रूप से क्रांतिकारी कार्य करता है तो उसको जेल में डाल दिया गया। लगभग एक वर्ष की जेल के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने युवा इटली नाम से संगठन बनाया, यंग इटली। मेज़िनी युवा शक्ति को अच्छी तरह पहचानता था और वह मानता था कि तत्कालीन व्यवस्था में सुधार सिर्फ युवाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसीलिए उसने युवाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मेज़िनी ने अपने विचारों से युवाओं को झकझोर कर रख दिया और जनता के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना पनपने लगी। उसने युवाओं को देश प्रेम और बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं अगर हम विक्टर इमैनुअल की बात करें तो विक्टर इमैनुअल जो था वो पिडमांट सार्डिनिया का शासक था, राजा था, लेकिन वो अन्य यूरोपीय शासकों से अलग था। वो राष्ट्रवाद का समर्थक तो था लेकिन लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला शासक था। विक्टर ने इटली के एकीकरण में अपना अप्रतिम योगदान जन धन लोगों पैसों व बल हर तरह से दिया। इसके अलावा जो तीसरा थे इतिहासकार वो थे कैवूर। ये कहा जाता है कि कैवूर ही वे व्यक्ति था जिसने इटली को एक करने में जी जान लगा दी। दरअसल कैवूर विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था। पिडमांट सार्डिनिया का जो शासक था, राजा था, वो था विक्टर इमैनुअल, लेकिन पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कौन था? कैवूर। तो दोनों में बहुत जमती थी, दोनों के विचार एक जैसे ही थे। कैवूर बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने अपना राजनीतिक जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया लेकिन अपने तेज दिमाग और कार्यक्षमता से धीरे धीरे वे प्रधानमंत्री बन गया। पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने पिडमांट राज्य में खूब उन्नति की। जनता उससे बहुत खुश और प्रभावित रहती थी। इसी तरह अगर हम चौथे इतिहासकार की बात करें तो वो है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी एक कुशल योद्धा और नौसैनिक था। वह मेज़िनी के विचारों से बहुत प्रभावित रहता था। उसके विचार क्रांतिकारी थे इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वह कैद से बचने के लिए भाग निकला और दक्षिण अमेरिका चला गया। गैरिबाल्डी ने दक्षिण अमेरिका में खूब धन कमाया और वापस इटली लौटा तथा उसने कैवूर और विक्टर के साथ संपर्क साधा और अपने कुछ विश्वसनीय सिपाहियों को लेकर उसने एक विशाल लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। लाल कुर्ती वाले सैनिक युद्ध कला में बहुत ज़्यादा कुशल थे, जिनके दम पर उसने इटली के एकीकरण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। दरअसल इटली का जो एकीकरण था इसका कार्य 1848 के आसपास से शुरू हुआ और इसी दौरान क्या हुआ कि पिडमांट, जहाँ का राजा विक्टर इमैनुअल और प्रधानमंत्री कैवूर था, उसने क्रीमिया के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता की थी। इसीलिए मित्र राष्ट्रों ने वचन दिया कैवूर को कि वो भी उनकी मदद करेंगे। तो उस समय क्या था कि लुम्बार्डी राज्य पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था और कैवूर ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया और ऑस्ट्रिया को हराकर लुम्बार्डी को पिडमांट सार्डिनिया में मिला लिया। इसी समय क्या हुआ कि जब पिडमांट की सेना ऑस्ट्रिया से लड़ रही थी तो मध्य इटली के जो लोग थे, आम जनता थी, जिसमें परमा, मोडेना और टस्कनी के राज्य आते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का असर जो था वो इतना ज़बरदस्त था कि परमा, मोडेना और टस्कनी के जो राजा थे वो देश छोड़ के भाग गए। बाद में क्या हुआ कि कैवूर ने अपनी कुशल राजनीति से जनमत संग्रह किया और इसके द्वारा इन राज्यों को पिडमांट सार्डिनिया में मिला लिया। अब क्या हुआ, अब पिडमांट सार्डिनिया में लुम्बार्डी, परमा, मोडेना, टस्कनी जैसे बड़े राज्य आ चुके थे और पिडमांट सार्डिनिया शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन अब भी पैपल स्टेट, नेपल्स और सिसली जैसे राज्यों को इटली में मिलाना बाकी था। इस कार्य में गैरिबाल्डी ने अपनी लाल कुर्ती सेना की मदद से भूमध्य सागर की तरफ से सिसली और नेपल्स पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। और जब उसे जीत लिया तो सिसली और नेपल्स को भी पिडमांट सार्डिनिया में मिला लिया। तो अब सिर्फ एक राज्य बचा था, वो था पैपल स्टेट, जहाँ पर था पॉप का शासन और पॉप को पूरे यूरोप के कैथोलिक लोगों व कैथोलिक राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था।
इसीलिए पैपल स्टेट पर हमला करने का मतलब था पूरे यूरोप के कैथोलिकों से दुश्मनी मोल लेना। इसी बीच क्या होता है, 1861 में कैवूर की मृत्यु हो जाती है और ये इटली के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब क्या होता है, इटली के एकीकरण की जो जिम्मेदारी होती है वो विक्टर इमैनुअल और गैरिबाल्डी के कंधों पर आ जाती है। वो दोनों सोचते हैं कि इटली का एकीकरण अब कैसे किया जाए। तभी क्या होता है कि एक साल के अंदर ही 1862 में गैरिबाल्डी की भी मृत्यु हो जाती है, तो विक्टर इमैनुअल अब अकेला पड़ गया। हालांकि इमैनुअल जो होता है, विक्टर इमैनुअल, वो बहुत ही सुलझा हुआ और कुशल कूटनीतिज्ञकार था, इसीलिए उसने पैपल स्टेट को यानी कि पैपल राज्य को इटली में मिलाने में कोई जल्दबाजी नहीं की और सही मौके का इंतज़ार करने लगा। पैपल स्टेट, जिसकी राजधानी रोम थी, उसे फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। पॉप के कहने पर फ्रांस की सेना रोम की रक्षा करती थी और बिना रोम के इटली का एकीकरण अधूरा था। आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद वो मौका आ गया जिसका विक्टर को इंतज़ार था। 1870 में फ्रांस व प्रशिया के बीच युद्ध छिड़ गया और मजबूरन फ्रांस को रोम और पैपल स्टेट से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। इसी मौके को देखते हुए विक्टर ने पैपल स्टेट पर हमला कर दिया और 1870 में रोम को इटली में मिला लिया गया। इस तरह इटली का एकीकरण जो था वो पूरा हो गया। इटली का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रयासों का नतीजा था और इन क्रांतिकारियों का असर इतना ज़बरदस्त था कि गैरिबाल्डी को इटली की तलवार, कैवूर को इटली का दिमाग तथा मेज़िनी को इटली की आत्मा कहा जाता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।